आज हम बात करेंगे मशहूर एक्टर अरविंद त्रिवेदी की फैमिली और लाइफ के बारे में। अगर आप रामायण सीरियल के फैन हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अरविंद त्रिवेदी एक पॉपुलर इंडियन एक्टर हैं, जिन्हें रामानंद सागर के टेलीविजन सीरियल रामायण में रावण के किरदार के लिए जाना जाता है। अरविंद त्रिवेदी जी का जन्म 8 नवंबर 1938 ब्रिटिश भारत उज्जैन में हुआ। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था। अरविंद त्रिवेदी एक गुजराती परिवार से हैं। उनके पिता एक नील मजदूर थे। बचपन में ही उनके पिता गुजर गए थे पैरालिसिस अटैक के कारण। उनके दो बड़े भाई भी हैं, बालाचंद त्रिवेदी जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, और भाई उपेंद्र त्रिवेदी जो कि एक अभिनेता थे। 4 जनवरी 2015 को उपेंद्र त्रिवेदी का निधन हो गया था। अरविंद त्रिवेदी ने 4 जून 1966 को नलिनी से शादी कर ली। अरविंद त्रिवेदी और नलिनी की 3 बेटियां हैं। फिल्मों में आने से पहले वे कई गुजराती थिएटरों में एक्टिंग किया करते थे। 1971 में उन्होंने हिंदी फिल्म पराया धन से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। 1987 में उन्होंने रामानंद सागर के टेलीविजन सीरियल रामायण के साथ टेलीविजन में डेब्यू किया था, जिसमें उन्होंने रावण का किरदार निभाया। अरविंद त्रिवेदी जी ने 300 से ज्यादा फिल्मों में और सीरियल में काम किया है, जिनमें गुजराती और हिंदी फिल्में और कई सारे सीरियल भी शामिल हैं, जैसे कि विक्रम और बेताल। रामायण की सफलता के बाद अरविंद जी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी किया गया और उन्हें 1991 में बीजेपी के टिकट पर गुजरात में लोकसभा के लिए चुना गया, जहां उन्होंने 1991 से 1996 तक संसद सदस्य के रूप में अपना काम किया। 2002 में अरविंद त्रिवेदी को सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन यानी कि CPFC के चेयरमैन पद के लिए घोषित किया गया। दोस्तों, भले ही अरविंद त्रिवेदी आज हमारे बीच ना हो, पर उनका अभिनय हम सब हमेशा याद रखेंगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।